गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं बच्चों। इसमें हमारी जो यूनिट थी बच्चों, चार यूनिट लगभग जो आपको कवर हो चुकी है। आज हम यूनिट नंबर 5 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 जो है बच्चों, आपका 5 यूनिट जो होगा वो रोड पेवमेंट, ठीक है। रोड पेवमेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है, रोड पेवमेंट। अब बच्चों हम इसमें डिटेल से देखेंगे कि पेमेंट क्या होता है, पेमेंट कितने प्रकार का होता है, आखिर पेमेंट होता क्या है, जिसे आप उक्टिम बोलते हैं, यान पथ बोलते हैं, वो होता क्या है, वो कितने प्रकार का होता है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए बच्चों, आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आप समझिए। देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा यहाँ बच्चों, ये वाला भाग यहाँ पे बच्चों, तो आप देखिए ये जो पोर्शन है, ये आपका बच्चों ये पेवमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेवमेंट बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। यान पथ पेवमेंट कुटिम जिसे आप बोलते हैं, ये आपको बोला जाता है, पेवमेंट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ये जो है पेमेंट बोला जाता है, और फिगर से समझते हैं। अब बच्चों पेमेंट में आप ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बच्चों जो दिख रहा है, ये भी आपको रोड दिख रही है, तो ये जो है ये आपको क्या बोलेंगे, पेमेंट बोलेंगे। ये बच्चों आप दिख रहे हैं जो रोड में, तो ये जो है आपको ये क्या बोला जाएगा, पेमेंट बोला जाएगा बच्चों, ठीक है, पेमेंट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, पेमेंट बोला जाएगा, पेमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। आधार कुटिम जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, जिस पे वाहन दौड़ते हैं, चलते हैं, वो पेमेंट। अब बच्चों बात आती है कि हमने बताया कि पेमेंट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पेमेंट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका फ्लैक्सिबल पेमेंट होता है, फ्लैक्सिबल पेमेंट होता है, ठीक है, फ्लैक्सिबल पेमेंट होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है बच्चों, दूसरा जो होता है वो रिगिड पेमेंट होता है, रिगिड पेमेंट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आप फिगर में और अच्छे ढंग से क्लियर करिए कि कैसे आप पहचानोगे कि जो है पेमेंट कौन सा है। बच्चों मैंने आपको जब बताया था कि टाइप्स ऑफ रोड, ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ रोड है वो पेमेंट पे ही डिसाइड होता है, वो फ्लैक्सिबल है। जनरली दो प्रकार के होते हैं, फ्लैक्सिबल और रिगिड पेमेंट। तो रिगिड पेमेंट में बच्चों जो आता है आपका, वो सीसी रोड आता है, कंक्रीट की रोड होता है, वो क्या होता है, वो रिजिड पेमेंट होता है। कौन सा पेमेंट होता है, वो रिजिड पेमेंट होता है, ठीक है। और ये जो बिटुमिनस की है, ये बच्चों क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। कहने का मतलब अगर हम बात करें, अगर आप इसको डिटेल से समझो बच्चों, तो ये जो है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट मैंने बताया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल एफ से, फ्लेक्सिबल पी से पेमेंट, और दूसरा रिजिड पेमेंट, आर से रिजिड मतलब यहाँ पे, और पी से पेमेंट, ठीक है। ये दो प्रकार से पेमेंट हो गए। अब जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है बच्चों, ये किसका बनता है, ये बिटुमन का, जो ऊपरी जो कार्पेट थिकनेस होता है वो बिटुमन का होता है, जो आपको नज़र आता है, कौन सा आता है बच्चों, वो बिटुमन का नज़र आता है, ठीक है, इसका नज़र आएगा, वो बिटुमन का नज़र आएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ें,
तो ये जो है कौन सा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्योंकि ये आपका क्या दिख रहा है बच्चों, ये बिटुमन का बना है, ठीक है ना। तो बिटुमन का जो है ऊपर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो जाएगा, ठीक। अब ये भी आपका कौन सा है, फ्लेक्सिबल है, ये भी क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है, मतलब बिटुमन का जो भी रोड अगर आपको देखने में आता है तो वो फ्लेक्सिबल पेमेंट के नाम से जाना जाएगा। और जो सीमेंट कंक्रीट का, सीसी का, कंक्रीट का अगर दिखेगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजिड पेमेंट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन बच्चों, ये आपका ये जो है पेमेंट कौन सा होगा, रिजिड पेमेंट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपका कंक्रीट का है, ये सब क्या है, कंक्रीटिंग है, तो कंक्रीट की जो रोड बनती है वो रिजिड पेमेंट, और जो ये बिटुमन की बन रही है, ये बिटुमन की बन रही है, ये क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये कंक्रीट का, ये भी कंक्रीट का, ये कौन सा हो जाएगा, रिजिड पेमेंट, ठीक है। तो अब फिगर से आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब हम इसको जो है डिटेल में देखते हैं कि इसको हम, तो देखिए ये आपको चैप्टर यहाँ पे जो आपका बच्चों, ध्यान रखिए यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा ये चीज़ आप, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको फिगर से दिखाया, ठीक, तो यही आपके बारे में, इसके बारे में डिटेल से हमें स्टडी करना है, रोड पेमेंट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब मैंने भी आपको जो बताया बच्चों कि जो पेमेंट होता है वो कितने भागों में होता है, दो भागों में, फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला पेमेंट, रिजिड मतलब कठोर पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल में यह पेमेंट कैसा होता है बच्चों, यह भार पड़ने पर लचक सकते हैं, इस प्रकार के पेमेंट को चार परतों में बांटा जाता है, ठीक है। कितने परतों में, चार परतों में बांटा जाता है। देखिए सोयल सब ग्रेड, सोयल सब बेस, फिर बेस कोर्स, बियर कोर्स, फिर फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल ये बच्चों क्या है, ये यही फ्लैक्सिबल पेमेंट मतलब लचीला पेमेंट मतलब कौन सा है, ये बिटुमन है। कौन सा है, लचीला मतलब बिटुमन की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये बच्चों कि कोई भी रोड अगर आप बनवाते हैं उसमें सोयल सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, बियर कोर्स, फिर जो ऊपर वाली जो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब बिटुमन का वहाँ पे प्रयोग किया गया है, क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो रोड है उसका सबसे निचला पार्ट या सबसे मेन घटक, जो सबसे नीचे स्तर होता है वो कौन सा स्तर होता है, तो सब ग्रेड आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यही चीज़ इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के पेमेंट में बिटुमन सामग्री का उपयोग करते हैं, पहियों के भार पर पूरे परत में वितरित होता रहता है, इसलिए जो है सबसे ऊपरी परत पर प्रतिबल सबसे अधिक तथा सबसे निचली अर्थात सोयल सब ग्रेड पर सबसे कम होगा, इस प्रकार फ्लेक्सिबल पेमेंट का परत बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम रिजिड पेमेंट में देखेंगे बच्चों। रिजिड पेमेंट मैंने आपको बताया किसका बनता है, वो जो है कंक्रीट का बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए रिजिड पेमेंट जो है कठोर पेमेंट, वह जो पेमेंट होता है वो भार पड़ने पर लचकते नहीं है, लेकिन आपने भी जो फिगर मैंने दिखाया था जो बिटुमन वाला होता है इसमें भार पड़ता है तो क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल आ जाता है, लचकपन आ जाता है। लेकिन रिजिड पेमेंट जो सीसी की बनती है मतलब सीमेंट कंक्रीट की बनती है, इसमें लचक, भार पड़ने पर लचक नहीं आता है, ठीक है। तो कठोर पेमेंट नीचे की मिट्टी के थोड़े से दबने से नहीं मुड़ते हैं, कंक्रीट स्लैब में मिट्टी के साथ सब ग्रेड पर बिछाया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये जो ज़्यादा भार अगर आ रहा है तो वहाँ पे जो है रिजिड पेमेंट को प्रिफर किया जाता है। आजकल देख रहे होंगे सीसी की रोड खूब नज़र आ रहती है, मतलब अधिकतर रोड जो है सीसी रोड बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रिजिड पेमेंट की मोटाई जो है कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखिए रिजिड पेमेंट की मोटाई 5 सेंटीमीटर से लगभग अधिक होती है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm से अधिक होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं।
और देखिए दूसरी बात ये, अब जो बिटुमन वाली जो कारपेट थिकनेस होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, वो जो है बच्चों 20 से 25 mm मान के चलिए, 25 mm थिकनेस होती है। किसकी 25 mm थिकनेस? जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा, जो बिटुमन की कारपेट जिसे कारपेट थिकनेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो बिटुमन होता है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट मैंने किसका बताया, बिटुमन का होता है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो बिटुमन का होता है, जिसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इसकी मोटाई अगर आपसे पूछता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसकी मोटाई को हम बोलते हैं कारपेट थिकनेस, कारपेट मोटाई बोलते हैं। ध्यान रखिए, कारपेट मोटाई बोलते हैं। इसकी जो मोटाई होती है बच्चों, वो 20 से 25 mm होती है, 20 से 25 mm होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब रिगिड पेमेंट की बात आएगी तो इसमें जो मोटाई होती है वो 50 mm से कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इतना समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिगिड पेमेंट के बारे में डिटेल से आपको बताया। अब बच्चों जो पेमेंट हैं, ठीक है, पेमेंट में देखिए यहाँ ये जो दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये ठीक है, इस क्रम में जो है पेमेंट के बनाया जाता है। पेमेंट के भागों का क्या कार्य है, पेमेंट क्या काम करता है? देखिए, सोयल सबग्रेड, बोल्डर्स, बेस कोर्स, बिटुमन या सीसी रोड, अभी जो उन्होंने बताया, जो आप बेयरिंग कोर्स जो होता है, बिटुमन हो सकता है, सीसी का हो सकता है। ठीक है, तो बिटुमन में और थोड़ा सा अच्छा से हम समझने का प्रयास करेंगे, वह सड़कें जिसमें बंधक के रूप में, देखिए वह सड़कें जिसमें बंधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया हो, बिटुमन का प्रयोग किया गया, वो काली सतह वाली सड़क के नाम से भी जानी जाती है। मतलब काली सतह नाम से, देखिए मतलब ब्लैक टॉप रोड जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, या ब्लैक सरफेस भी इसे बोला जाता है, काली सतह वाली रोड बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो बिटुमनी सड़कों का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो इनका जो है कैसे कैसे इनका किया जाता है, सरफेस ड्रेसिंग इसका कैसे किया जाएगा बच्चों, इनका सरफेस ड्रेसिंग में सड़क की सतह की तैयारी होगी, बिटुमन बिछाएंगे, फिर पत्थर के लिए फैलाना होगा, रोलिंग करना होगा, फिर उनकी सज्जा करेंगे, पर सज्जा करेंगे मतलब उनकी अच्छे तरीके से फिनिशिंग देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपको जनरली जो है इस पार्ट पे आपको देखना है। ठीक, कि जनरली जो है आपको फ्लैक्सिबल पेमेंट क्या होता है और रिजिड पेमेंट क्या होता है, कैसे इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं, ये आपको माइंड में करना है, क्योंकि तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बनेगा जो मैंने आपको बताया बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से अगर बात करें, तो ऑब्जेक्टिव नज़रिए से आपको क्या, पेमेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक, फ्लैक्सिबल पेमेंट किसका बना होता है, ठीक, बिटुमन का, किसका बना होता है, बिटुमन का। रिगिड पेमेंट में जो सबसे ऊपरी सतह होती है कौन सी होती है, वो सीसी की होती है, सीमेंट कंक्रीट को रिगिड पेमेंट बोला जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। अब चौथा क्वेश्चन अगर आपको बनेगा कि पेमेंट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, या सबसे मोस्ट आधार जो होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, सब ग्रेड के नाम से जाना जाता है, 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछेगा, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, बिटुमन की थिकनेस कितनी होती है, कारपेट थिकनेस 20 से 25 mm होती है, 20 से 25 mm होती है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट रोड में, सीमेंट कंक्रीट रोड की मोटाई किससे कम नहीं होनी चाहिए, 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके इस टॉपिक से बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब लंबा वीडियो होने के कारण अब हम इस पे आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों, आगे किस पे कैसे जो है और डिटेल से हम देखेंगे इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों।
ठीक है, आज का वीडियो हम इसी पे यहीं पेंड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी करते रहिए, ठीक है बच्चों।